हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में चार ऑप्शंस दिए गए हैं ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। उनमें से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो क्योर नहीं किया जा सकता, जिसका कोई क्योर नहीं होता। सो गिवन ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गोनोरिया, बी जेनिटल वार्ट्स, सी जेनिटल हर्पीस एंड डी क्लेमाइडियासिस। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस अंडरस्टैंड the key concept of this question. Here, the key concept is sexually transmitted diseases. In short, इनको STDs भी कहा जाता है. So, what are sexually transmitted diseases? ये वो diseases होते हैं जो transmit होते हैं ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स। सेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसके साथ साथ इन्फेक्टेड नीडल यूज करने से भी ये डिजीज ट्रांसफर होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूशन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, इससे भी ये डिजीज स्प्रेड हो जाते हैं। एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, इससे भी ये डिजीज स्प्रेड हो जाते हैं। नाउ हम फ्यू एग्जांपल देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का। इट इंक्लूड्स गोनोरिया। इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम नोन एज नेसेरिया गोनोरी। नेक्स्ट डिजीज इज जेनिटल वार्ट्स। इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस नोन एज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नेक्स्ट डिजीज इज जेनिटल हर्पीस। It is caused by a virus known as herpes simplex virus and the next disease is chlamydiasis. And it is caused by a protozoan called as Chlamydia trachomatis. So, यहाँ पे जो गोनोरिया डिजीज है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कॉज होता है एंड इसके अगेंस्ट अगर हम एंटीबायोटिक्स यूज करें तो ये क्योर हो जाते हैं। सो इट इज अ क्यूरेबल डिजीज। जेनिटल वार्ट्स ये भी क्यूरेबल डिजीज है। अगर अर्ली स्टेज में हम इसका डिटेक्शन कर सकते हैं तो इसका भी क्योर अवेलेबल होते हैं। क्लेमाइडियासिस, इसका भी क्योर होगा अगर हम एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। हाउएवर जो जेनिटल हर्पीस है इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है। सो जो भी पर्सन जेनिटल हर्पीस से इन्फेक्टेड होगा उसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा एंड अल्टीमेटली ये फेटल हो जाएगा उस पर्सन के लिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी जेनिटल हर्पीस। आई होप you understood it well. Best of luck.